हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बंसल एकेडमी। और 18 तारीख को अभी मास्टर कैडर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके लिए हमने बहुत जोर शोर शानदार तरीके से अपने आप की पीठ भी थपथपाई और अपने बच्चों की पीठ भी थपथपाई है, और रिव्यू भी लिए, लाइव रिएक्शंस भी लिए, और उसके ऊपर हमने बच्चों से भी पूछा और अपने करवाए हुए कंटेंट को भी हमने बड़ा इन्वेस्टिगेट किया कि क्या हमारे करवाए हुए में से पेपर आया था। तो जब हमें पता चला कि हमने पेपर को जिस टाइम पे हम सॉल्व कर रहे थे, लाइव आंसर की जब हम सॉल्व कर रहे थे, विद इन 30 मिनट्स हमने उसको सॉल्व करके बिल्कुल हम लाइव आ गए थे। तो हमें पता चला कि जो जो चीज़ें हमने बच्चों को करवाई हुई हैं वो सारी के सारी पेपर में आई हुई हैं। अराउंड 250 में से 230 क्वेश्चंस तक, मैं नंबर बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, हो सकता है आप हैरान हों इस चीज़ को सुन के, वो आया था। तो ये सारी चीज़ें जब हमने डिस्कस की तो उसके बाद हमने एक रिव्यू लेने के बाद हमने ये कंक्लूड किया कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के पीछे नंबर ऑफ़ रीजंस थे, और वो नंबर ऑफ़ रीजंस में कई ऐसे रीजंस हैं जिसको मैं शेयर भी करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि जो, देखिए हमारे बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया है अब उसमें से जो बच्चे हैं वो उन्होंने कितनी मेहनत की है उस पर डिपेंड करता है। तो 8-9 महीने से वो हमारे पास कोचिंग ले रहे थे, और कई बच्चों के हमें कॉल भी आए हैं इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देखते हुए। तो वो लोग 2 साल से मेहनत कर रहे थे, कोई 1.5 महीना तैयारी करके भी पेपर दे रहा था। तो जब हमने ये वीडियोस को पब्लिश किया अपनी, तो उस टाइम पे कई बच्चों के नेगेटिव कमेंट्स आए और काफ़ी डीमोटिवेटिंग कमेंट्स लोगों ने किए कि इतनी हाईएस्ट कट ऑफ कैसे जा सकती है और आप लोग ऐसे कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप लोगों को डीमोटिवेट कर रहे हो। तो उसके एवज में हमने जो सोचा कि ऐसा है कि अगर लोगों को ये लग रहा है कि हमने डीमोटिवेट किया है, तो उनके लिए हमने एक ये वीडियो अभी जो तैयार किया है, ये एविडेंस बेस्ड वीडियो तैयार किया है कि जो हमने करवाया है, जो बंसल एकेडमी ने कराया है, वो बच्चों को एग्ज़ाम में आया हुआ है और ठोक के आया हुआ है, तसल्ली से आया हुआ है। और इस बात की ये बात हमारे भी स्वाभिमान पे लगती है जाके कि जब आप लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं, तो देखिए हमारे भी बेसिस हैं, और हमारा बेसिस ये है कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम जितने भी क्वेश्चंस हमारे क्लासरूम्स में हमने ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स लिए हैं उनमें से क्लिप निकाल निकाल के बकायदा क्वेश्चन नीचे दे के हम आपको बताएंगे कि ये देखिए ये क्वेश्चन ये हमने यहाँ कराया, ये आया, ये बकायदा ऐसा रहेगा। और जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं उन सब की क्लिप्स बनेगी, आप लोगों के सामने आएगी। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस भी बच्चे ने, हमारे बच्चे ने अगर पूरे क्वेश्चन किए हैं तो वो 107 से 114 के बीच में नंबर लेगा, और 100% लेगा। ये हमारी मैक्सिमम कट ऑफ है जो हमने बताई है, नीचे इसके कितने जाती है वो डिपेंड करता है। लेकिन एक और बात भी है, अगर आप ट्रेंड्स को देखो तो हर बार 10 नंबर इंक्रीज हो रहे हैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो मतलब अगर 86 लास्ट टाइम गई है तो 96 मिनिमम रहती है। अगर हमने 107 टू 114 बोला है तो वो हमने 10 मार्क्स इसलिए अप किया है क्योंकि हमारे बच्चों का पेपर, या हमारे बच्चों के अलावा जो 2 साल से जो अच्छे बच्चे जो तैयारी कर रहे थे उनकी भी मेरिट इतनी ही जाएगी। सो फ्रेंड्स, ऐसा है कि आज से हम एक वीडियो श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम विद एविडेंस ये प्रूव करेंगे कि बंसल एकेडमी ने जो भी करवाया वो पेपर में आया, और आगे भी जो हम करवाएंगे वो पेपर में आएगा। ये हमारी फैकल्टी की जान है, शान है, और मान सम्मान सब कुछ है इसमें लगा हुआ है, क्योंकि उन्होंने कंटेंट दिया है, असाइनमेंट्स में दिया है, नोट्स में दिया है, अपने टीचिंग्स में दिया है, टीचिंग में खासकर। तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि जो लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं कि आप लोग डिमोटिवेट मत होइए, तैयारी को अच्छे से करिए, और अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो बंसल एकेडमी को ज्वाइन करिए एक बार फिर। आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कॉल देता हूँ कि अगर बंसल एकेडमी को ज्वाइन करेंगे तो मैं रिजल्ट की गारंटी तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बंसल एकेडमी जो करवाएगी, जितना करवाएगी, एक्सेलेंट करवाएगी, उसको मद्देनज़र रखते हुए ही हमने ये वीडियो बनाई है कि भैया हम जो करवाते हैं उसमें से आता है, काम अच्छा करते हैं, मेहनत करते हैं, और पूरी जान लगा के मेहनत करते हैं हम लोग। तो काइंडली आप लोग इस चीज़ को अदरवाइज मत लीजिए, और आप लोगों की तैयारी नो डाउट अच्छी रही होगी, आपका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। ये किसी को ठेस पहुंचाने के लिए वीडियो नहीं है, ये सिर्फ ये प्रूव करने के लिए वीडियो हम डाल रहे हैं कि ताकि आप लोग ये मान के चलिए कि बंसल एकेडमी वाकई अच्छा काम करती है, और आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए बंसल एकेडमी। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आइए, ज्वाइन करिए, हम आपके साथ मिलकर मेहनत करेंगे।
और पूरी मेहनत करेंगे, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो और आपके सपने पूरे हों। थैंक यू वेरी मच। VRMS की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, फिर VAverage और फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यूज़ ऐसे लाई कर रही हैं, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना। अब आपको ये लिखनी है, ये वाली टर्म नहीं लिखनी है आपने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो क्या हो जाएगा, m बाय 2πkBT रेस टू पावर 3/2 ई रेस टू पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाय 2kBT इंटू dv। यहाँ पे हमने क्या लिख रहे थे, सिर्फ आपने इतनी टर्म्स को नहीं लिखना है, बाकी सारी टर्म सेम रहेंगी। m बाय 2πkBT रेस टू पावर 2/2 ई रेस टू पावर माइनस एम वी स्क्वेयर बाय 2kBT, ठीक है, dv हो जाएगा। फिर m बाय 2kBT रेस टू पावर 1/2 ई रेस टू पावर एम वी स्क्वेयर बाय 2kBT इंटू dv, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी वी स्क्वेयर वाली कोई टर्म, मीन्स वी वाली कोई टर्म नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो तीनों की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो। इसको आप सॉल्व भी करके देख लेना। ये आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू वी, इक्वल टू जीरो रखना और वैल्यू निकाल के देखना कि क्या आएगी। अब उसके बाद वी एवरेज की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन में आपके पास ऑड फंक्शन बनेगा, ठीक है, इंटीग्रेशन में आपके पास ऑड फंक्शन बन जाएगा। ऑड फंक्शन कैसे, ये ऐसे ही निकालते हैं हम, जीरो टू इनफाइनाइट वी पी ऑफ वी डी वी। अब हम स्पीड की बात कर रहे हैं, तो स्पीड नेगेटिव में भी हो सकती है, तो माइनस इनफाइनाइट लिखेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, e रेस टू पावर माइनस एम वी स्क्वेयर बाय 2kBT इंटू dv। ये क्या है, एक एक्सपोनेंशियल, एक ऑड फंक्शन है, ये एक ये एक इवन फंक्शन है और ये एक ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट जीरो होती है। तो यहां से आप किसी का भी करोगे इंटीग्रेशन, ये जीरो आ जाएगा। सिर्फ VRMS की वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वेयर हो जाएगा ना, फिर तो स्क्वेयर एक, ये भी एक इवन फंक्शन बनेगा, ये भी एक इवन फंक्शन बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू सेम एज इट इज ये आएंगी, 3kBT बाय एम, फिर आ जाएगा 2kBT बाय एम, फिर आ जाएगा kBT बाय एम। तो ये हमारे पास है मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इतना टेबल, ये स्पीड के लिए है और ये वेलोसिटी के लिए है। अब उसके बाद हम करते हैं कुछ टर्म्स। क्या बोलता है, क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपको बताएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। मान लो आप लोगों ने चाय बनानी है, ठीक है, तो फिर चाय बनाने के लिए आप क्या करोगे, कंटेनर में पानी लोगे, ठीक है, कंटेनर में पानी लिया, उसको गैस के ऊपर रखोगे, तो आपने क्या किया, नीचे से हीट दिया, जो आपने गैस ऑन किया है वो आप क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो। हीट मान लो आपने दिया 100, ठीक है, मैं हीट को लिख रही हूँ dQ। मान लो आपने हीट दिया 100, अब कुछ तो चाय बनाने के लिए यूज हो जाएगा, पहले पानी उबलेगा, मतलब सारी चीज चाय बनाने के लिए मान लो आपकी 80 एनर्जी यूज हो गई। मतलब चाय बनाना हमारे लिए क्या था, वर्क डन था, तो हमने वर्क डन करने में 80 यूज कर दिया। बट यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है कि एनर्जी कंजर्वेशन, कि एनर्जी कभी भी लॉस नहीं रहती है, जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी। तो यहाँ पे देखो टोटल हमने 100 दी थी, 80 सिर्फ 80 यूज हुई है वर्क डन करने में, तो 20 कहाँ गई, तो 20 है वो क्या बन जाएगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। तो dQ जो आप हीट दे रहे हो वो किसके इक्वल होगी, या तो वर्क डन हो जाएगा या फिर जो बाकी बच जाएगी वो उसकी इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। तो dQ इज इक्वल टू dW प्लस dU। ये है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये क्या है,
फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनामिक्स का। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, पीडीवी, अभी हमने लिखा था ना वर्क डन को हम पीडीवी लिख सकते हैं, तो यहाँ से डी क्यू हो जाएगा पीडीवी प्लस डी यू, तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आगे बेस बनने वाला है, मतलब पूरी थर्मोडायनामिक्स का यहीं से स्टार्ट होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। 5/2 केबीटी, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, डी की वैल्यू 5 पुट कर दी। सिमिलरली अगर हम ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में आए, ट्राइएटॉमिक में हमारे पास दो वेज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक लीनियर ट्राइएटॉमिक होता है, एक नॉन लीनियर होता है। अब इसके दो केसेस हो जाएंगे, एक लीनियर ट्राइएटॉमिक, एक हो जाएगा नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक, नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक, ठीक है। लीनियर की एग्जांपल जैसे CO2, ये ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। नॉन लीनियर मींस ये ऐसे कुछ, ठीक है, H उल्टा लगा दिया मैंने, O H H, ठीक है। और भी हो सकती है इसकी एग्जाम्पल, जैसे मैं लगाऊं यहाँ पे O, ये होता है आपके पास ओजोन, ठीक है, ये भी क्या है, एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, क्योंकि लीनियर में हमारे पास टू बॉन्ड्स बन रहे हैं और नॉन लीनियर में आपके पास तीन बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। नॉन लीनियर में आपके पास तीन बॉन्ड्स बन रहे हैं, और अगर आप H2 की बात करोगे उसमें भी दो बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो वो भी आप इसमें कंसीडर कर सकते हो लीनियर वाले में, ठीक है। अब इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने हैं, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे निकालोगे आप इसके, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 3, कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, 2, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 3 − 2, तो यहाँ से 9 − 2 ये हो जाएगा 7, तो डी की वैल्यू 7, तो यहाँ से यू क्या हो जाएगा, 7/2 KBT, ठीक है। यू किसके इक्वल हो जाएगा, 7/2 KBT। अब यहाँ से अगर हम देखें एन की वैल्यू 3 है और कंस्ट्रेंट्स कितने लग रहे हैं, बॉन्ड कितने हैं, 3 है, तो डी कितना हो जाएगा, 3 × 3 − 3, तो ये हो जाएगा 9 − 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 6, तो डी की वैल्यू 6 आई है, तो यू यू क्या हो जाएगा, 6/2 KBT, तो ये हो जाएगा 3 KBT। पी की वैल्यू पुट कर दी तो ये आ जाएगा, अगर आपने पी की वैल्यू पुट कर दी यहां से, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी, पी की वैल्यू पुट करो तो क्या बन जाएगा, NRT/V इंटू T^(γ^1 − γ=2 कॉन्स्टेंट, तो यहां से आपके पास एन आर तो कॉन्स्टेंट है तो इसमें ऑब्जॉर्व हो जाएंगे, तो T, ठीक है, इंटू T^(γ^1 − γ) और नीचे क्या है, V − 1 हो जाएगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहां से बेस सेम है, पावर्स ऐड कर दो, ये बना V − 1 कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इसको करो तो 1 − γ + γ/1 − γ × V − 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहां से ये कैंसल, तो T/(1 − γ V − 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, इस टर्म को अगर डिवाइड कर दे बोथ साइड तो क्या बन जाएगा, यहां से कैंसल, तो V यहां से क्या आ जाएगा, −1 − γ, ठीक है, इसको और हम क्या लिख सकते हैं, γ − 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन एडियाबेटिक इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, कौन सी इक्वेशंस आ गई हैं हमारे पास, एक हमने क्या, कौन सी इक्वेशन निकाली थी हमने, अच्छा ये वाली निकाली थी, एक PT γ/1 − γ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सेकेंड है, थर्ड क्या आई है, T^(γ−1) इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हमारे पास ये तीन एडियाबेटिक की इक्वेशंस आ गई हैं, तो आपने सिर्फ लर्न किसको करना है, फर्स्ट वाली इक्वेशन को करना है, ठीक है। डीएस को जीरो कर दिया, डीएस जीरो मींस एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी, एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी,
तो डीएस जीरो है तो ये एक टर्म क्या हो जाएगी, डी यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, ठीक है, डी यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी ये हो जाएगा। तो यहां से पी की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट क्या है, इंट्रोपी, ठीक है, यही एक्सप्रेशन है। अब इन दोनों जो हमारे पास दो रिलेशन आ गए हैं, अब आपने क्या करना है, इसका इन दोनों को इंटरचेंज करके डेरिवेटिव करना है। कैसे, अब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करो वॉल्यूम को कांस्टेंट, वॉल्यूम को वेरिएबल ऑफ माइक्रोस्टेट्स किसके इक्वल होती हैं, जी आई सी एन आई, सी कॉम्बिनेशन, इसको कैसे ओपन करते हैं, जी आई फैक्टोरियल बाय एन आई फैक्टोरियल और फिर जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालने का फॉर्मूला है, इसके लिए जी आई रेस टू पावर एन आई, इसके लिए ये हो जाएगा, और यहाँ पे भी पाई आई लिखना है आपने, ठीक है, इस पे भी क्या लिखना है, पाई आई मीन्स प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक कंडीशन है, ठीक है, किसके लिए है, फर्मियोन्स के लिए है कि जो जी आई है वो ग्रेटर देन, ठीक है, जी आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन आई होना चाहिए, ठीक है, जी आई हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए एन आई के, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखना, और तीनों केसेस के लिए जी आई हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स है, वो एनर्जी स्टेट क्या होनी चाहिए, नॉन डीजनरेट होनी चाहिए, ठीक है, एनर्जी स्टेट्स क्या रहनी चाहिए, नॉन डीजनरेट रहनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना। अगर आपने ये फॉर्मूला लगाना है तो आपके पास जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो क्या रहनी चाहिए, नॉन डीजनरेट रहनी चाहिए, ठीक है। अब करते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, क्लासिकल पार्टिकल बोजोन और फर्मियोन्स के लिए क्या क्या होते हैं, ये डिस्टिंग्विशेबल हैं, ये इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, ये फिर से इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, ठीक है, ये स्पिनलेस है, इनकी इंटीग्रल स्पिन है, इनकी हाफ इंटीग्रल स्पिन है, उसके बाद ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को ओबे करते हैं, ये बोस आइंस्टाइन को और ये फर्मी डायरेक को, उसके बाद ये पॉलीज एक्सक्लूसन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते हैं, ये भी ओबे नहीं करता, तो ये ओबे करता है, दिस मीन्स कि सिर्फ इस फर्मियोन्स को हम एक स्टेट में एक ही पार्टिकल रख सकते हैं, ठीक है, इन दोनों के लिए एक स्टेट में हम दो पार्टिकल्स रख सकते हैं। और फिर आ जाएगा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, इसके लिए जी आई रेस टू पावर एन आई, इसके लिए एन आई प्लस जी आई माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन आई फैक्टोरियल इंटू जी आई माइनस वन फैक्टोरियल, और इसके लिए जी आई कॉम्बिनेशन एन आई हो जाएगा। और इसमें ध्यान क्या रखना है, जो जी आई एन ऑफ माइक्रोस्टेट्स किसके इक्वल होती हैं, जी आई सी एन आई, सी कॉम्बिनेशन, इसको कैसे ओपन करते हैं, जी आई फैक्टोरियल बाय एन आई फैक्टोरियल और फिर जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालने का फॉर्मूला है, इसके लिए जी आई रेस टू पावर एन आई, इसके लिए ये हो जाएगा, और यहाँ पे भी पाई आई लिखना है आपने, ठीक है, इस पे भी क्या लिखना है, पाई आई मीन्स प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक कंडीशन है, ठीक है, किसके लिए है, फर्मियोन्स के लिए है कि जो जी आई है वो ग्रेटर देन, ठीक है, जी आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन आई होना चाहिए, ठीक है, जी आई हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए एन आई के, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखना, और तीनों केसेस के लिए जी आई हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स है, वो एनर्जी स्टेट क्या होनी चाहिए, नॉन डीजनरेट होनी चाहिए, ठीक है, एनर्जी स्टेट्स क्या रहनी चाहिए, नॉन डीजनरेट रहनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना। अगर आपने ये फॉर्मूला लगाना है तो आपके पास जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो क्या रहनी चाहिए, नॉन डीजनरेट रहनी चाहिए, ठीक है। अब करते हैं इसके रिलेटेड
क्वेश्चंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। क्लासिकल पार्टिकल बोजोन और फर्मियोन्स के लिए क्या क्या होते हैं, ये डिस्टिंग्विशेबल हैं, ये इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, ये फिर से इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, ठीक है। ये स्पिनलेस है, इनकी इंटीग्रल स्पिन है, इनकी हाफ इंटीग्रल स्पिन है। उसके बाद ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को ओबे करते हैं, ये बोस आइंस्टाइन को और ये फर्मी डायरेक को। उसके बाद ये पॉलीज एक्सक्लूसन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते हैं, ये भी ओबे नहीं करता, तो ये ओबे करता है। दिस मीन्स कि सिर्फ इस फर्मियोन्स को हम एक स्टेट में एक ही पार्टिकल रख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के लिए एक स्टेट में हम दो पार्टिकल्स रख सकते हैं। और फिर आ जाएगा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, इसके लिए जी आई रेस टू पावर एन आई, इसके लिए एन आई प्लस जी आई माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन आई फैक्टोरियल इंटू जी आई माइनस वन फैक्टोरियल, और इसके लिए जी आई कॉम्बिनेशन एन आई हो जाएगा। और इसमें ध्यान क्या रखना है, जो जी आई एन